शांति विच जीना बस इको ही असूल वे हाथ जोड़े तोड़े अगे छड्डो मैनू कल्ला। हेलो गाइस, व्हाट इज अप, व्हाट इज अप, व्हाट इज अप, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं हॉर्न, ओके प्लीज। और हम लोग शाम को जा रहे हैं क्योंकि पूरे डे बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह गए थे सबने यही बताया कि बहुत गर्मी है, रात को ही जाना। बाकी हमने सोचा था डे में जाएंगे तो डे में ज्यादा अच्छा दिखता है सब कुछ है वो, पर हम रात को जाएंगे गाइस ताकि हमें चक्कर ना आए और हम अच्छे से घूम पाए। आज कुछ ज्यादा गर्मी नहीं है वैसे शिल्पा, आज हद से ज्यादा ह्यूमिडिटी है, मेरे ख्याल में आज बारिश होगी शायद। तो बाकी सब रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ, आपको आउटफिट दिखेगी बाहर जाके। अभी फटाफट हम लोग निकलते क्योंकि हम सब हो रहे हैं। और आप सब सही थे कि इतने लॉन्ग है और आप लोग कैसे संभालते हो, और हम बोलते थे इजी है, इजी है, इजी नहीं है, क्योंकि मैं अभी गर्मियों में इतनी ज्यादा परेशान रहती हूँ, तो मैं धीरे धीरे करके इनको ट्रिम करा रही। मत करो शिल्पा, आज मैं थोड़ी सी पछताई, लेकिन बढ़ जाते हैं यार इतनी, आपके चाहने वाले रोएंगे। या तो आप बन बना के रखोगे गर्मी में, या पोनी और पोनी बनाओगे तब भी गर्मी लगेगी, बन बनाओगे तब भी हैवी हैवी लगेगा, मुझे सर्वाइकल हो गया काजल, और फिर अच्छा भी नहीं लगता, स्टाइल भी तो मारना होता है, बाल खोल के फिर बन बना के अच्छे लगता। बाकी चलो चलते फटाफट। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, 7 बज गए, 7:15 हो गया और हमें जाना है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो लेट्स गो गाइस। और सब कुछ ऐसे लग रहे हैं, विवेक तो सही बोला, हम इसको गर्मी में कहते हैं गोवा वाइब्स दे रहे हैं, और एक बढ़िया लग रहे हैं एम्पायर हमारे साथ है, और दीप्ति स्मार्ट लगता है। बाकी शिल्पा साहिल वूफी दूसरी कार में आ रही है क्योंकि वूफी के साथ कोई बैठ नहीं सकता गाइस। सो लेट्स गो, फटाफट पहुंचते हैं, और सबसे बड़ी रोटी मैं ही खाऊंगी वहां जाके। और हाँ, कुछ लोगों को नहीं पता वो कुछ लोगों को नहीं पता, वो कमेंट करते थे हॉर्न ओके प्लीज होता क्या है। तो गाइस वो फूड फेस्टिवल टाइप होता है, मतलब पूरी दिल्ली के जितने भी फूड आउटलेट्स हैं या फूड रेस्टोरेंट्स हैं वो एक ही जगह अपना स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पे लोग खाने जाते हैं। तो आज हम सारा दिल्ली का फूड टेस्ट करने जा रहे हैं। तो गाइज हमें 8 बज चुके और हम लोग अब तक नहीं पहुंचे, बहुत लेट हो गए हैं यार। अभी और कितना टाइम लगेगा? कितना? 5-7 मिनट। तो गाइज अभी 5-7 मिनट और लगेगी और हम पहुंचेंगे। तो इसका गेट है, कौन सा नंबर गेट है? ये पहला नंबर है। हाँ, तो ये शुरुआत से होती है, वहाँ से टिकट भी लेनी पड़ेगी हमारे को। तो हम गलत साइड आ गए, देखते हैं बात करते हैं यहाँ पर, वरना वहाँ पे यू टर्न लेके जाना। ओके तो गाइज हम लोग रॉन्ग साइड आ गए थे, अब हम जा रहे हैं राइट साइड, मतलब रॉन्ग गेट पे यार, वो समझ गई मेरी ऑडियंस नहीं समझती। अब हम जा रहे हैं राइट साइड और फिर टिकट्स लेते हैं, फटाफट चलते हैं, भूख भी लग रही है, बहुत कुछ खाना है मुझे। ओके, मुझे लगा मुझे बोल रहे हैं गाइस, एक ब्लॉगर की सच्ची पहचान यही होती है कि वो सबके मुंह पे कैमरा लगा दे। तू मत देख मुझे, तू मत देख मुझे, क्योंकि मैं कॉन्शियस हो जाती तेरे देखते ही। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, इतना ज्यादा ट्रैफिक है, तो पार्किंग की भीड़ है, ट्रैफिक नहीं है पागल। अच्छा सॉरी, मतलब पार्किंग की भी भीड़ है, जो ट्रैफिक तो लगा ही रखे है, देखना कितनी सारी गाड़ियां आ रही जा रही है, पार्किंग की भीड़ है, निकल रही है, आ रही जा रही है। पता होता काजल को तो फिर क्या ही बात थी। ये तो पार्क में भी पब्लिक को देख के बोलते बहुत भीड़ है, चलो वहाँ पे ट्रैफिक हो रहा है। अनफनी, तो भाई भी तो तेरा ही है। तुझे कहा था फिर मैंने, शट द फक। बाय बाय। और कौन कौन मेरी तरह से पागलों की तरह प्लेन को आज तक बाय करता है, मैं तो करती हूँ, हमें प्लेन देखना बहुत पसंद है। सो गाइस फाइनली हम सारे इकट्ठे हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट एंट्री गेट पर। तो 8:30 बज गए ना, 8:30 बज चुके, हम लोग 7 बजे घर से निकले थे। सो लेट्स गो गाइस, अब फटाफट टिकट्स लेते हैं और खाते पीते हैं। नहीं नहीं है ये बातें वही, फिर इस मोड़ पर हम मिले हैं, ना जाने अब मिलेंगे हम कभी, तो रुक जाओ एक पल यहाँ पे, ये नर्म चादरों की सिलवटे तुझे अभी बुला रही है, ना जाओ दूर इनसे कहे ये सुकून कहाँ पे है, हासिल दिल को मेरे ये है पता कि मीलों का ये फासला है, अलग आसमां भी है तो क्या ये दिल ना माने, ये गाड़ियों की ऐसी दौड़ सा तेरा भी दिल दौड़ता है, हाँ जा रहे हो दूर तुम तो क्या मैं ही तो दिल का मुसाफिर, तो एक बार फिर तू हंस के जरा देख ले मेरी
इन आँखों में मैं कैद कर लूँ है। सब पसीने पूछ रहे हैं गाइस क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, हद से ज़्यादा। चलो अभी हम लोग सोच रहे हैं अंदर जाते हैं और फटाफट खाते पीते हैं। सो गाइस हम लोग इस स्टॉल से पास कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं प्राइस पूछने आई थी बट हमें हमारे सब्सक्राइबर मिल गए एंड शी गिफ्टेड मी दिस ब्यूटीफुल, आई डोंट नो व्हाट, आई चेक घर जाके। इट्स अ प्लांटर, आई हैव सीन सो मेनी इन योर डेकोर दैट यू गाइस लव प्लांट्स एंड ऑल, यू हैव ऑलरेडी अ बोहेमियन वाइब एट योर प्लेस, सो दैट्स व्हाई आई थॉट मेबी यू विल कम, सो आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इट। थैंक यू सो मच। गाइस यू कैन फॉलो हर पेज ऑन इंस्टाग्राम द मेकरम हाउस और आते ही मिल गया कि मेरे यहाँ पे जी आर वेरी कूल टिप टिप परसा पानी हो रहा है बदला दी पहन सारे दिन बिजली बिजली के बहुत ज्यादा गर्मी है गाइस, अब मेरी बारी है टेस्ट करने की। अच्छी है, नहीं लगी तेरे को? बहुत अच्छी लगी। अब दूसरी चीज टेस्ट करते वो तोड़ के देना, मलाई वाली है खाकर देखो, वो तोड़ के देना, वो तोड़ के देना, कोई नहीं सुन रहा भाई मेरी। पापड़ ले लो, पापड़ गाइस, पापड़ तो गाइस मैंने लिए पोटैटो स्वर्ल्स चीज़ी पेरी पेरी फ्राइज। मुझे फोटो क्लिक करनी है, इसमें बिल्कुल तमीज नहीं आएगा, इस फोटो क्लिक करके आते हैं फिर खाते हैं, लेट्स गो। तो गाइस हम लोग खा पी के बैठ चुके हैं, अब विवेक और जय को कुछ खाने के लिए लेने गए हैं तो हम उनका वेट कर रहे हैं। सो गाइस फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, घर थक गए। इधर से किधर से? लेट्स गो, घर पहुंच की बात करती हूँ और वो गिफ्ट भी दिखाना है आप लोगों को जो मुझे यहाँ पे मिला, मैं तो बहुत खुश, पागल है क्या? चलो मेंटल, अरे भाई चलो, मुझे कुछ खरीदना नहीं पड़ा, चलो, मुझे रात हो रही है, चलो मेंटल है क्या? जो मुझे लेट टुनाइट उन्होंने मुझे बोला कि बाद में बताओ, काजल तो चले जा रही है, मैंने कहा रख दिया। फिर गाइस फाइनली अब हम लोग घर आ चुके हैं और मैं अब सब लोगों को दिखाना चाहती हूँ वो गिफ्ट जो मुझे मिला था। वेट गाइस, तो ये मिला है मेरे को फ्रॉम द मेकरम हाउस और लेट्स सी कि इसमें क्या है। वैसे एक चीज देखिए मेरे, मैं उसी शॉप पे ना प्राइस पूछने जा रही थी कि वो जो कैनोपी बनी हुई थी उसका कितना है और उन्होंने ही मुझे गिफ्ट दे दिया, तो जो चीज हम मांगते हैं वो मिल ही जाती है किसी ना किसी तरीके से। चॉकलेट्स जो पिघल गई हैं गर्मी की वजह से और एक ये है, अच्छा
ये इसी में है, ये ऐसे ये पूरा प्लांटर है यहाँ पे, हम एक प्लांट मुझे पता नहीं था, सॉरी शायद ये अलग होता है, ये अलग ऐसे होता है, तभी मैं सोच रही थी पहले निकल क्यों नहीं रहा। तो ये पूरा एक प्लांटर है गाइस, जो मैंने घर पे, शायद तुम्हें पता होगा, मैं मैक्लॉडगंज से एक लेके आई थी, तो सेम वही है। और उन्होंने बताया भी था कि आपको प्लांट्स पसंद है, तो हमने आपको एक प्लांटर दिया। बहुत ज्यादा प्रिटी है वैसे, सच बताऊं तो। बाकी आज बहुत 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 ज्यादा गर्मी थी यार, और मैंने एक ये ब्रेड्स करवाई हैं अपनी, मुझे क्योंकि ब्रेड्स करवाना बहुत पसंद है, जैसे आपको पता है। और मेरे फेस पे इतना पसीना आ रहा है और ऑयल आ रहा है, तो इसलिए काफ़ी चिकना चिकना फेस लग रहा है। अब मैं सीधा नहाऊंगी। और अच्छा लगा आज तुम लोगों से मिलके, इतने सारे लोग मिले वहाँ पे, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा उन सबसे मिलके। और अच्छा था यार, मैंने कुछ ज़्यादा खाया नहीं, पोटैटो सोल्स खाए थे, एक वो जो शिल्पा लाई थी बहुत बड़ी सी कोन वाली चाट थी जो भी थी वो खाई थी, और जेगो आइसक्रीम लाया था वो खाई थी, बाकी कुछ ज़्यादा खाया नहीं क्योंकि गर्मी सच में बहुत ज़्यादा थी। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे इस चैनल को। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, मैं सीधा सोने जाऊँगी, पहले नहाने जाऊँगी फिर सोऊंगी। वैसे रात के 12:30 बज गए हैं, नहाना चाहिए नहीं रात को, पर गर्मी बहुत है यार, चिपचिप हो रहा है, तो मैं नहा के सोऊंगी। बाकी आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, तब तक लिए थोड़े जे आ रूड थोड़े आरू घंटे।